बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दिस इज़ सलमान अकबर एंड वी विल डिस्कस अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड आल्सो द कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर इन दिस लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss introduction of computer. Here you have definition of computer on your screen, that computer is an electronic device that can process data at amazingly fast speed and produce accurate result. It means computer hamare paas ek aisi electronic device hai जो हमारे डेटा को प्रोसेस करती है बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ और हमें बहुत जल्दी एक्यूरेट रिज़ल्ट दे देती है। मतलब ये है कि कंप्यूटर अपनी नौइयत की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उससे बहुत स्पीड से काम करती है, हमारे डेटा को प्रोसेस करती है इंफॉर्मेशन की शक्ल में और हमें बहुत ही स्पीड से एक्यूरेट रिज़ल्ट दे देती है। जिस जो हमें डिज़ायर्ड होता है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, वो हमें प्रोड्यूस करके दे देती है। तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन हमारे पास हमारी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन प्रोसेस डेटा एट अमेजिंगली फास्ट स्पीड एंड प्रोड्यूस एक्यूरेट रिज़ल्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जिसमें हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशंस हैं। ये भी हमारे पास वन लाइनर डेफिनेशंस में आती है कि व्हाट इज़ हार्डवेयर। हार्डवेयर द फिज़िकल इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। जैसे हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम अपने डेटा को प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन की शक्ल में, अब कंप्यूटर में वो डेटा हार्डवेयर इक्विपमेंट्स के थ्रू प्रोसेस करवाते हैं। जितने भी हमारे पास फिज़िकल इक्विपमेंट्स हैं कंप्यूटर में, जो फिज़िकल हार्डवेयर टेंजिबल कंपोनेंट्स हैं जैसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमें वो हार्डवेयर कहलाती है। इसी के साथ अगर हम हार्डवेयर की एग्जांपल देख लें तो हमारे पास जितनी भी आईओ डिवाइसेस हैं वो हमारे पास हार्डवेयर कहलाती है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, आईओ डिवाइसेस की फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें हमारे पास कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स, प्रिंटर्स, एलईडी, एलसीडी, मॉनिटर, ये तमाम चीज़ें हमारे पास हार्डवेयर में आती हैं। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस दैट विद द हेल्प ऑफ पीपल कमांड द हार्डवेयर टू परफॉर्म डिजायर्ड टास्क। सॉफ्टवेयर में हम हार्डवेयर से जो काम हमें करवाना होता है उस पर हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और सॉफ्टवेयर की एक वन लाइनर डेफिनेशन एक और है जिसमें हमें बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर इज़ इंस्ट्रक्शन जिससे हम बताते हैं कि कंप्यूटर को व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि कंप्यूटर से हमें जो भी डिज़ायर टास्क लेने होते हैं किस तरह करने हैं, कैसे करने हैं, वो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू बताते हैं कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू टू प्रोसेस द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड गेट द डिज़ायर्ड टास्क। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड को हम देखते हैं तो हमारे पास कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर में आता है। द कैपेबिलिटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर स्पीड, कि कंप्यूटर स्पीडली हमारे पास काम करता है। रिलायबिलिटी, रिलायबल भी बहुत ज़्यादा है। एडॉप्टेबिलिटी, और हर जगह पे सरकमस्टेंसेस को देखते हुए एडॉप्टेबिलिटी भी करता है। स्टोरेज, हम अपने पास किसी भी किस्म का डेटा स्टोर करके उसे दोबारा रिट्रीव कर लेते हैं। और सबसे लाजमी और अहम कैपेबिलिटी कंप्यूटर की वो क्या है, वो एक्यूरेसी है। कंप्यूटर सिस्टम्स आर वेल एडजस्टेड टू परफॉर्म रिपीटिटिव टास्क, कि बार बार कोई भी टास्क आपने करवाना है तो वो कंप्यूटर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो मुसलसल आइट्रेशन के साथ वो टास्क परफॉर्म करता रहेगा। दे नेवर गेट टायर्ड, बोर्ड ऑफ फटीक, हैंज दे आर अ लॉट ऑफ रिलायबल देन ह्यूमन। हम कोई भी काम
बार बार अगर कंप्यूटर से करवाना चाहे तो कंप्यूटर आपको तंग नहीं करेगा, ना ही वो आपको कोई इश्यू करेगा कि ये काम बार बार क्यों करूं, जबकि इंसान अगर एक ही काम बार बार करेगा तो आखिरकार तंग हो जाएगा और आपसे कहेगा कि बस ये काम मैं दोबारा नहीं कर सकता, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड आल्सो दी कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी जो आज का टॉपिक था हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।